हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नेम है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। तो इसमें हमें सबसे पहले मानव पूंजी निर्माण में हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो हमें पढ़ना है फिजिकल कैपिटल, जिसको हम भौतिक पूंजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इट इंक्लूड ऑल दोज इनपुट विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एटीसी। कि भाई जो हमारी भौतिक पूंजी है वो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है और किस किस तरीके से हमें इसमें करना है। तो भौतिक पूंजी में हम जो इंक्लूड करते हैं इस चीज़, यहाँ पर हमें प्रोडक्शन, उत्पादन की आवश्यकता होती है। लाइक जैसे हमारा प्लांट, कि हमने कोई भी एक प्लांट लगा लिया और उस प्लांट में हम किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो आगे प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है, है ना। मशीनरी अगर हम लगा रहे हैं तो मशीनरी में हमें कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होगा, कि हमें मशीनरी अगर हमने लगाई है तो हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन उसमें करना है। हम कोई भी छोटी सी फैक्ट्री लगाते हैं तो भी हम उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे। बिल्डिंग है हमारी, बिल्डिंग में भी हम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या हम कोई भी छोटा सा एक अपना एक वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। रॉ मटेरियल है और कच्चे माल, तो इन सभी का जो निर्माण किया जाता है वो हमारी फिजिकल कैपिटल में किया जाता है। द फिज़िकल कैपिटल इज़ नीडेड टू मेक यूज़ ऑफ फिज़िकल रिसोर्सेज। भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम फिज़िकल कैपिटल में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो फिज़िकल रिसोर्सेज की होती है। हमारे पास भौतिक साधन होने चाहिए इसको करने के लिए। फिजिकल कैपिटल हमारी जो है एक तरह से वो कैपिटल गुड्स है, कि हम अपनी कैपिटल का निर्माण कर रहे हैं, हम अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए एक डॉक्टर राम है और डॉक्टर राम को एक ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो उनको जब ऑपरेशन करना है तो उन्हें ऑपरेशन करने के लिए कुछ ना कुछ अपने इक्विपमेंट चाहिएंगे जिससे वो ऑपरेशन करेंगे। उन्हें उसके लिए लाइट भी चाहिएगी, है ना, और उन्हें ऑपरेशन करने के लिए हाँ भाई कुछ ना कुछ अपना स्टाफ भी चाहिएगा, तभी तो वो एक ऑपरेशन कर पाएंगे ना। तो ये जितने भी सारे इक्विपमेंट हैं डॉक्टर राम के, वो सभी हमारे फिजिकल कैपिटल हैं। तो आपको समझ में आए ना, जिस तरह से हम कोई भी वर्क कर रहे हैं या हमें कोई भी प्रोडक्शन करना है, मान के चलिए हमें कोई पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए हम जिस मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, जिस रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं, या किसी प्लांट का या फैक्ट्री का यूज़ कर रहे हैं, वो सभी हमारे फिजिकल कैपिटल होंगे, क्योंकि हम वहाँ पर इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फिज़िकल कैपिटल क्या है, जितने भी हम फिज़िकली रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड बी फिज़िकल कैपिटल। उन सभी को हम फिज़िकल कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। अभी हम इसमें आगे देखेंगे, हमें इसमें फिज़िकल ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी पढ़ना है, कि हमारी ह्यूमन कैपिटल क्या है। फिज़िकल कैपिटल बताया कि फिज़िकल रिसोर्सेज का यूज़ ज़रूरी है। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की। इट रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एंड नॉलेज एम्बॉडीज इन द पीपल। कि भाई हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, हमारे जो स्किल्स होंगी, कि हमने जो ह्यूमन कैपिटल में हमारे जितने भी स्किल्स हैं, हमारी जितनी भी नॉलेज है, हमारी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, हमारे पास इन सब का स्टॉक होना, हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज हमारी बॉडी में होनी चाहिए। अब मैंने आपको फिज़िकल कैपिटल में डॉक्टर राम का एग्जांपल दिया था, कि जितने भी उनके इक्विपमेंट हैं वो सब फिज़िकल कैपिटल हैं। अब मीन्स डॉक्टर राम के पास अगर एजुकेशन ही नहीं है, मेडिकल लाइन की कोई भी एजुकेशन नहीं है, तो क्या वो ऑपरेशन कर पाएंगे, नहीं ना। अगर उनके पास डॉक्टर लाइन की एजुकेशन है, उन्हें नॉलेज है, उनकी स्किल्स हैं, उनकी एबिलिटीज़ हैं, तो ही वो ऑपरेशन कर सकते हैं। और ये जितनी भी हमारे स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन, ये सब चीज़ें अगर हैं,
तो दैट इज़ कॉल्ड बी ह्यूमन कैपिटल, कि भाई अगर हमारे पास नॉलेज है तो उस पर हम, ज्ञान का भंडार है तो वो हमारा ह्यूमन कैपिटल होगा। ह्यूमन कैपिटल इज़ नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को आवश्यक है इफेक्टिव यूज़, कि भाई कुछ इफेक्टिव यूज़ करने के लिए फिजिकल कैपिटल की। अब नॉलेज तो हमारे पास है लेकिन इक्विपमेंट नहीं है, तो हम अपना वर्क कैसे करेंगे, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं कि भाई उसके साथ साथ हमें नॉलेज के साथ साथ हमें रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। फिजिकल कैपिटल होगी, उसके साथ हमारे पास ह्यूमन कैपिटल होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? फिजिकल कैपिटल हमारे पास जो जरूर, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे जिनसे हम अपना वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, फिजिकल कैपिटल। और अगर हमारी नॉलेज अच्छी है, हमारी स्किल्स अच्छी है, हमारी एबिलिटीज़ अच्छी है, हमारी एजुकेशन अच्छी है, तो हमारे पास क्या होगी, ह्यूमन कैपिटल, दैट इज़ कॉल्ड बी ह्यूमन कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन HCF, कि भाई मानव पूंजी का निर्माण जो है, मानव पूंजी निर्माण जो है उसका मीनिंग क्या है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशंस ऑफ द कंट्री, कि हमारी जो मानव पूंजी निर्माण है वो रेफर करती है डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़, कि हमारी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो करने कुछ करने कि हम अपनी क्षमताओं को, अपने कौशल को हम अच्छे से कर सकते हैं, तो यहाँ पर कहा है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है पॉपुलेशन की, अमंग द पॉपुलेशंस ऑफ द कंट्री। तो मानव पूंजी निर्माण देश की आबादी के बीच हमारी जितनी भी क्षमताएँ हैं, हमारे कौशल्स हैं, इनके विकास, इनका क्या करना है, डेवलप करना है, और इनका डेवलपमेंट करना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है, मैंने भी आपको फिजिकल कैपिटल बताई है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बताया, तो जहाँ पर इन दोनों को हम मिला देंगे वहाँ पर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मिलाना, फिजिकल कैपिटल प्लस ह्यूमन कैपिटल, दैट इज़ कॉल्ड बी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए एक पॉइंट है इसमें, वो देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्यूरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ पर्सन्स हु हैव द स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, कि भाई ये है उन व्यक्तियों की संख्या प्राप्त करने के लिए भी और बढ़ाने की प्रक्रिया है जिनके पास कौशल है, जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास एजुकेशन है और जिनके पास एक्सपीरियंस है। भाई हमारे पास एजुकेशन भी है और हमारे पास रिसोर्सेज भी है, तो उन पर्सन्स की तो संख्या बढ़ेगी ना, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ेगी तो तभी हमारा क्या हो पाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा। तो बच्चों मैंने आपको तीन टॉपिक बताए अभी, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपको इन्हें क्या करना है, अच्छे से अपने नोट्स को सामने रखकर इनको एक बार रीड करना है और अच्छे से समझने की कोशिश करना कि ये फिजिकल कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस क्या है। ठीक है, थैंक यू।